want my heart, you don't want my love. You just want me crying over you. You don't want my heart, you don't want my love. You just want me crying over. Friends, this is Shaheen. Welcome back to my channel, Shaheen Garden and Blogs. कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो कोई पौधा या फर्टिलाइजर पर नहीं है। हर एक को छुट्टी मिलती है तो एक माली को भी तो छुट्टी मिलनी चाहिए ना। तो मेरी आज से 10 दिन की कंप्लीट वेकेशन है। मैं यहाँ से मतलब भुवनेश्वर से दिल्ली जाऊँगी, फिर दिल्ली में मेरी दो बहनें होती हैं उनको लेके मैं घूमने के लिए निकलूँगी। कहाँ जा रही हूँ वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। इंडिया से बाहर जा रही हूँ। इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी है जिसको घूमना बाकी है, लेकिन सबका मन था कि इंडिया घूमें, इंडिया के बाहर जाएँ थोड़ा। तो इस वजह से तो मैं यहाँ पर जो दिखा रही हूँ वो बहुत ही काम की चीज़ है। ये है स्टोरेज के लिए, स्टोरेज का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आजकल, तो इस वजह से मैंने ये स्टोरेज के लिए ख़रीदा है। और बहुत ही छोटा सा है तो इसको कैरी करना बहुत ईजी रहता है। तो ये 1 TB का है, तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब अगर हम लोग ब्लॉग बनाते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे ट्रैवलिंग करते टाइम पर हाथ को फ्री रखना है, इस वजह से मैंने ये बैग लिया है। बैग पैक पीछे रहेगा तो ये मेरा हाथ फ्री रहेगा, तो ये बहुत सही रहता। नहीं तो एक हाथ में बैग और एक हाथ में मोबाइल पकड़ के शूट करने में बहुत मुश्किल होता है। तो ये ऐसा ऐसा चीज़ मैं ली हूँ जो मेरे लिए कंफर्टेबल हो कि मैं अच्छे से वीडियो बना सकूँ और फ़ोटो वगैरह ले सकूँ। और ये है आगे के लिए जिसमें कि मैं मोबाइल चार्जर्स और जो भी है इस टाइप का जो भी एक्सेसरीज़ होता है वो रख सकूँ। तो ये इसलिए ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ जिससे कि आप भी अगर ट्रैवल में जा रहे हो तो आप, हम लोग तो अभी ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो इस वजह से हाथ एकदम हम लोग का फ्री रहेगा। और ये मैं सनग्लास मेरे पास था लेकिन बहुत दिन से वही एक चल रहा था तो बहुत दिनों के बाद घूमने के लिए निकली थी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें तो ज़रूरी होती है। वो कहते हैं ना कि डिस्टिनेशन पे चले जाओ तो वो देखने की अलग खुशी होती है और उसके पहले की तैयारी करने की खुशी कुछ अलग होती है। तो वही है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इससे पहले जो मुझे वैसे भी कोई भी इवेंट होता है उससे पहले का प्रिपरेशन करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें मैं एकदम लास्ट टाइम पे कर रही थी, एकदम एक दिन पहले, क्योंकि इससे पहले से मैं सोच रही थी कि करूँगी लेकिन फिर बन नहीं पा रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। एकदम लास्ट दिन था मेरा तो फिर मैं ये सारी चीज़ मैं लिस्ट आउट करके रखी थी कि मुझे क्या क्या लेना था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैं लास्ट टाइम पर ये सारी चीज़ बहुत जल्दी में की। और ये है मेरा शूज़ जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इस वजह से मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब बोली ना, इतना जल्दी में की थी लेकिन कोई चीज़ जल्दीबाजी में भी करके भी अच्छा हो जाता है, तो वही मेरे साथ हुआ। और ये सारी चीज़ें लेने के बाद शॉपिंग एक दिन पहले की थी, उसके बाद मुझे पार्लर भी जाना था। पार्लर में जाके मुझे थोड़ा डेंटिंग वेंटिंग भी कराना था क्योंकि बहुत दिन से कहीं पे भी कुछ भी नहीं कराया था। पूरा नेट देख के एडिटिंग करके पूरा फेस जल गया था, तो थोड़ा मोड़ा तो डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए जा रही थी और भी बीच में बहुत सारे काम थे, एकदम थक सी गई थी लेकिन फिर भी किसी तरह से करना था। तो यहाँ पे मैं मॉल पहुँची हूँ। मॉल में भी छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि मुझे अभी लेना था, जैसे कि ईयरिंग्स वगैरह था और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें थी। क्या क्या काउंट कराऊँ, बहुत दिन से पेंडिंग भी था मेरा कि बहुत दिन से शॉपिंग भी नहीं की थी। ईद के बाद से कुछ भी नहीं खरीदा था, ईद में भी बहुत कम ही खरीदी थी, कुछ ज़्यादा नहीं ली थी। तो वही सब छोटी छोटी चीज़ें थी, बैग्स थी, ये सब थी, पर्स थी, ये सारी चीज़ें थी। और फिर ये सारी काम करके मैं पार्लर आई। पार्लर में तो मैंने जो कबाड़ा किया अपना वो तो अलग ही, और पैसा खर्च हुआ अलग। जो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, जो आपको सूट करता है वही करना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा वही करती थी। लेकिन एक्साइटमेंट मैंने, मुझे लगा कि मुझे थोड़ा कलर वलर करके थोड़ा सा
अलग लुक देखना। अलग क्या, इतना बुरा लुक था कि मैं फिर अपने से ही ठीक की। मैं हेयर कलर कराई थी बट वो सूट नहीं किया मुझे, इससे पहले भी कराई थी तो वो ठीक था लेकिन इस बार पता नहीं क्यों सूट नहीं किया। तो फिर मैं अपने घर आके फिर उसको हिना पाउडर से ठीक की। इन बिटवीन मुझे थोड़ा कॉफ़ी भी मिल गया था, थोड़ा रिलैक्स लगा क्योंकि पहले से भी शॉपिंग वगैरह करके मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैंने कौन से कलर्स चॉइस किए थे। ये ब्लैक शेड पे ही की थी, ये कॉपर कलर का, लेकिन कॉपर कलर मेरे पे अच्छा नहीं आ रहा था, इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहा था अच्छा, तो फिर बहुत ही कबाड़ा हो गया। तो फिर मैं घर आई, घर आके फिर अपने आप को ठीक की। फिर भूख भी बहुत तेज़ की लगी थी, भूख लगी तो मैं डोसा खाई, और भी मेरे साथ सारे फैमिली मेम्बर्स थे वो लोग भी खाए, और मेरा पूरा मजाक बन के रख गया था। उसके बाद फिर मैं घर आई, घर में भी मेरे प्लांट्स के साथ कुछ काम थे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद मुझे पूरा प्लांट्स को धोना था, ये इंडोर प्लांट्स को, और उसका सारा पानी चेंज करना था। ये सारे काम मैं खुद से करती हूँ, किसी को नहीं देती हूँ करने के लिए। और उसके साथ साथ मैं सूखे पत्ते भी निकाल रही थी ताकि इन बिटवीन मेरे जाने के बाद अगर कुछ ये ना हो। तो सारे को मैं अच्छे से धो के पूरा पूरा पानी फिल कर कर के सारे को रखी थी, और आउटडोर प्लांट्स में भी पूरा अच्छे से पानी दे के मल्चिंग वल्चिंग करके रखती है। हालांकि सीज़न तो चेंज कर गया, बहुत अच्छी बारिश हो रही है तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जो प्रॉब्लम होगा तो मैं वॉचमैन को बोल के जा रही थी कि कुछ पानी वानी ऊपर का देख लेना, अगर सही रहे तो, मतलब सूखा रहे तो देने के लिए। लेकिन किसी पर भरोसा करना प्लांट्स के इस पर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे मैं खुद पूरा पूरा अच्छे से सारे चीज़ को पूरे अच्छे से नरिश की थी। उसके बाद मैं एक काम की चीज़ आपको दिखा रही हूँ, मुझे प्लांट्स लेके जाना था दिल्ली। तो दिल्ली ले जाने के लिए तो ऐसे आपको प्लांट्स नहीं देगा, तो पहले मैंने वहाँ पर बात की, एयरपोर्ट में बात की कि इन लोग देगा कि नहीं देगा। पहले तो इन्होंने इनकार किया, फिर मैंने बोला कि मैं बहुत अच्छे से लेके जा रही हूँ, मैं छोटे छोटे डब्बे में लेके जा रही हूँ। तो फिर उन्होंने फिर बोला अच्छा रुको फिर मैं पूछ के बताती हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि कोई डेंजरस प्लांट नहीं होना चाहिए, मीन्स कैक्टस टाइप नहीं होना चाहिए और स्मेल ही नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एकदम छोटा सा होगा और हैंडी होगा और वो आप ले जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी छोटा सा आपको दिखा रही हूँ, फिर मैं इसके ऊपर अच्छे से कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया, मुझे कोई अच्छा सा वीडियो नहीं मिला जिसमें कि आपको मुझे अच्छे से पता चले कि किस टाइप से ले जाना है। तो आपको अगर प्लांट्स ले जाना है तो मैं अभी रफली आपको दिखा रही हूँ कि इस टाइप से लेके जाना, जिससे आपका प्लांट एकदम सेफ रहेगा। अगर आप लेके जा रहे हो ट्रैवल में, किसी को गिफ्ट करना है तो इस वे से आप लेके जाना, तो बहुत अच्छे से रहेगा, एकदम फ्रेश रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो उन्होंने बोला ओके लेके जा सकते हो। तो फिर मैं ये सारे प्लांट्स, ये तो खैर मेरे लैगेज में रहेगा, इस ये सारे प्लांट्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो मैं हैंडी रखूँगी उसमें वो लोग प्रॉब्लम कर रहे थे। तो लास्ट में वो मान गई थी, तो मैं ये तो खैर लैगेज में जाएगा। तो लैगेज में जाने के लिए आप इस तरह से आप इसका पैकिंग करोगे तो आपका प्लांट कुछ नहीं होगा, एकदम सेफली आप चला जाएगा। तो इस तरह से ही आप पैकिंग करना, मैं आपको दिखा रही हूँ उस तरह से। आपको अगर कभी लेके जाना है प्लांट्स तो इस तरह से आप पैकेजिंग करना अपने प्लांट का। आपके पास टिश्यू पेपर है या न्यूज़पेपर है, सब में अलग अलग से रैप कर लेना, सो डैट कि एक दूसरे से मिले नहीं, एक का साथ दूसरे के साथ उलझे नहीं। इस तरह से आप पैकिंग करोगे ना तो आपका एक भी लीफ ख़राब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और अब सेफली आपका प्लांट चला जाएगा। हल्का सा, बस हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा स्प्रे करना। बहुत ज़्यादा करोगे तो फिर वो आपका जो लैगेज का सामान सब ख़राब क्या, मतलब थोड़ा सा वो हो जाएगा, गीला हो जाएगा, इसलिए हल्का फुल्का पानी का स्प्रे करना ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे। और ये चीज़ जो मैं दिखा रही हूँ ये हैंडी लेके जाऊँगी, तो इस टाइप का छोटा छोटा डिस्पोजेबल वाला कुछ होगा वो लेके जाना, कुछ मतलब ऐसा मत लेके जाना कि टूट वूट जाए। तो इसको मैं, इसका सॉयल मिक्सचर वैसे पूरा ड्राई है, कुछ भी नहीं है कि इसमें थोड़ा सा भी गिरे, लेकिन फिर भी सेफली के लिए मैंने ऊपर से इसको कवर कर दिया कि थोड़ा सा भी उनको ये ना लगे कि सही से नहीं लेके जा रही। तो इसको इस तरह से मैं घर पे जो आता है ना कपड़ा सब्जी वाला, वही पॉलीथीन में ली हूँ, उससे रैप कर देंगी और नीचे रबड़ बैंड लगा दूंगी ताकि इतना सा भी सॉइल बाहर ना जाए सबके सब। और इस जो रेड कलर का पैकेट देख रहे हो उसमें डाल दूंगी। तो इस तरह से आपको अगर ले जाना है तो इस तरह से आप ले जाओ, आपका प्लांट एकदम सही रहेगा और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने अच्छे से पूरा पता किया था कि किस तरह से मतलब ले जाना है कि नहीं, श्योरिटी करके गई थी। आप भी अगर जा रहे हो कहीं ट्रेवल के लिए और आपको ये है तो आप पहले पूछ लो वहाँ पे कि आपको ले जाना है कि नहीं है। मैंने चैट भी रख लिया है, वहाँ से चैट भी की थी, तो चैट को भी सेफली रख ली हूँ ताकि उन लोग को प्रॉब्लम करे तो मैं चैट दिखा सकूँ कि वो लोग बोले हैं कि हाँ ले जा सकते हो। तो इस तरह से मैं
अच्छे से प्लांट को लेके जा रही हूँ। मुझे बहुत सारे प्लांट्स का था कि लेके जाना है, मुझे प्लांट्स गिफ्ट करना बहुत पसंद है, तो ये सारे प्लांट्स मैं लेके जा रही हूँ। और भी किसी को चाहिए तो बता दो भाई, मैं लेके आ जाऊँगी। और यहाँ मैं सारे प्लांट्स को अच्छे से वॉश करके फ़ैन के नीचे सूखने को रख दी, फिर मैं इसको अरेंज करूँगी जहाँ पर मैं रखती हूँ। और 10:15 के आसपास हम लोग घर से निकले, और मेरे घर से एयरपोर्ट का डिस्टेंस बहुत ही कम है, मतलब 5 मिनट या उससे कम ही हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। और यहाँ भुवनेश्वर का ट्रैफिक ऐसा कुछ होता नहीं है कि बहुत लेट लगे, बहुत ही अच्छी ट्रैफिक होती है, उतना लेट होने का कोई चांस ही नहीं है। तो पहुँच तो टाइम पर गए थे, बट फ्लाइट आधा घंटा लेट थी। इधर हम लोग चेकिंग वगैरह करा रहे थे और घर से कुछ भी खा के नहीं निकले। जब तक घर में इंसान रहता है ना, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे उस समय तक भूख नहीं लगता, लेकिन जहाँ घर से बाहर निकलो कि भूख लगना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग के साथ भी ऐसे ही हुआ कि घर से निकले नहीं कि भूख लगना स्टार्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग चेकिंग वगैरह करा लिए और इत्मीनान से बैठ गए और बैठ के फिर वेट कर रहे थे कि कब फ्लाइट आएगी। फिर आ गई, ज़्यादा लेट नहीं हुआ, फिर आ गई। तो फिर हम लोग फ्लाइट में बैठ गए। फ्लाइट में बैठने के बाद फिर हम लोग कुछ स्नैक्स लिए थे। You don't want my heart, you don't want my love, you just want me crying over you. You don't want my heart, you don't want my love, you just want me crying over you. I'm thinking about you. और यहाँ हम लोग नीचे उतर गए और ये है दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली वाले लोग तो जान ही गए होंगे कि ये दिल्ली एयरपोर्ट है। दिल्ली एयरपोर्ट में फ़िलहाल बहुत ग्रीनरी है, बट दिल्ली एयरपोर्ट में ही सिर्फ ग्रीनरी मुझे नज़र आई। और रोड पे निकली तो इतनी गर्मी थी कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। भुवनेश्वर में भी गर्मी है बट इतना ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देखो, मैंने ये क्लिप्स लिया, ये प्लांट्स को कितना अच्छे से पोछ रहे थे। तो मैंने इनसे पूछा कि डेली आप लोग इस तरह से पोछते हो, तो बोला नहीं डेली नहीं पोछते हैं, अभी चूँकि अरेंज कर रहे थे तो इस वजह से पोछ रहे हैं, लेकिन ऐसे हम लोग सिर्फ पानी से वाटरिंग करते हैं। तो मैं बता रही थी दिल्ली की गर्मी तो माय गॉड वाली गर्मी थी, क्योंकि हमारे भुवनेश्वर में भी गर्मी होती है लेकिन ह्यूमिडिटी होता है। और आज जब निकली थी तो बहुत अच्छा वेदर था, क्लाउडी वेदर था, और यहाँ तो बहुत तेज़ की गर्मी लग रही थी हम लोग को, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और ये बच्चा को देखो पानी का टैंक से पानी निकाल के पी रहा है, और उसको पूरा अच्छे से, इतनी गर्मी थी कि कहाँ नहीं जा सकता है। दिल्ली वाले समझ सकते हो कि दिल्ली में कितनी गर्मी है। मुझे तो भुवनेश्वर की गर्मी बहुत पसंद आती है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी रहता है लेकिन इतना स्कॉचिंग हीट नहीं रहता। और ये हम लोग घर पहुँच गए थे, और ये है प्यारी सी शाशा, और इसका मैंने आज शॉर्ट्स भी अपलोड किया। तो हम लोग घर में पहुँच गए और ये ब्लॉग अभी कंटिन्यू रहेगा, आप लोग मेरे साथ बने रहें। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक करें, प्यारा सा कॉमेंट करें, और मुझे दें इजाज़त। ओके जी, बाय बाय बाय, फैन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।